बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोपैथोलॉजी। व्हाट इज़ साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी क्या है, और इसके बाद हम इसमें ये डिस्क्राइब करेंगे कि इसके टोटल कितने टाइप हैं और कौन कौन से हैं और वो किस तरह हैं, वो डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे साइन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। जब कोई आप फाइंड करना चाहते हैं कि ये साइकोपैथ है या नहीं है तो उसमें कौन सी साइन होनी चाहिए, उसको भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि साइकोपैथोलॉजी की जो कॉजेस है वो कौन कौन से हैं, और इसके बाद इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि साइकोपैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल के लोग काम करते हैं। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी से, कि साइकोपैथोलॉजी है क्या। साइकोपैथोलॉजी जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि पैथोलॉजी स्टडी जो होता है वो डेप्थ स्टडी को कहते हैं। किसी भी डिजीज़ की डेप्थ स्टडी करने को हम पैथोलॉजी कहते हैं। जैसे कि फिजिशियन वगैरह जो और लोग हैं जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, पैथोलॉजी वो क्या करते हैं, लेबॉरेटरी के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू और मशीनों के थ्रू, केमिकल के थ्रू वो डिजीज़ को फाइंड करता है। जबकि साइकोपैथोलॉजी मेंटल हेल्थ के लिए है। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, इन डेप्थ स्टडी और प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इज कॉल्ड साइकोपैथोलॉजी। और यहाँ पे जो इन डेप्थ स्टडी से मुराद है कि हम एक डिसऑर्डर की ये देखेंगे कि ये डिसऑर्डर किस कॉजेज़ की वजह से आई है, और इस डिसऑर्डर की डेवलपमेंटल कौन सा है, और इसकी जो सिम्टम है वो कौन से हैं, और ये किस तरह अटैक करता है, और इसका नेचर किस तरह है। हम एक डिसऑर्डर की कंप्लीट स्टडी इसमें करते हैं, डेप्थ स्टडी। इस इन डेप्थ स्टडी को हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ साइकोपैथोलॉजी की तरफ। साइकोपैथोलॉजी की वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप है, लेकिन इधर हमने चंद जो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है उसको लेके आए हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे अब। जिसमें सबसे पहले है एंजाइटी डिसऑर्डर, और इसकी जो टाइप है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिसरप्टिव इंपल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर है, डिस एसोसिएटिव डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है, न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और फिर इन सब डिसऑर्डर की फर्दर टाइप है उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसके इधर नेम लिखते हैं, बाकी जो हमारे वैल्यू होंगे इन ही डिसऑर्डर पे होंगे। इसके अलावा साइकोपैथोलॉजी की जो और टाइप है उसमें है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर है, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर है, ट्रामा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगरचे जो मैंने इधर जो टाइप लिखे है या इधर जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सिर्फ साइकोपैथोलॉजी की टाइप नहीं है, इसके अलावा भी साइकोपैथोलॉजी की बहुत ज़्यादा टाइप है। ये जो मैंने लिखे है ये बिल्कुल जो मेन है जो ज़्यादातर लोगों में आजकल पाए जाते हैं, मैंने सिर्फ इनको डिस्क्राइब किया है। बाकी भी साइकोपैथोलॉजी की बहुत ज़्यादा टाइप है, लेकिन ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत मेन है। और जो इधर जो मैंने डिसऑर्डर लेके है जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की फिर पर्दर बहुत ज़्यादा टाइप है। इसी तरह एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर की पर्दर टाइप है, और डिप्रेसिव डिसऑर्डर की पर्दर टाइप है। ये जो है ये मेन इसकी चैप्टर है DSM के अंदर, और बहुत ज़्यादा बुक है जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड डिसऑर्डर इसमें है, और इन सब के पर्दर टाइप है वो भी साइकोपैथोलॉजी के टाइप में आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, साइन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, कि साइकोपैथोलॉजी का जो साइन है वो किस तरह है, और हमको किस तरह पता चलेगा कि साइकोपैथ है या नहीं है, और कौन कौन सी निशानी वो जाहिर करता है। तो सबसे पहले इसमें है चेंज इन ईटिंग हैबिट, और जो खाता है पीता है इसमें भी वो चेंजिंग आता है, चेंजिंग मूड में चेंज आता है, एक्सेसिव वरी एंजाइटी और फियर, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इरिटेबिलिटी और एंगर, लो एनर्जी, ये सारे निशानी वो जाहिर करता है। इसके अलावा जो मेन साइन है वो है स्लीप डिसरप्शन, मतलब उसकी जो स्लीप पैटर्न है वो भी मुतासर होता है, और जो इसका टॉट पैटर्न है सोचने का अंदाज वगैरह वो भी चेंज होता है, सेल्फ हार्म और सुसाइड, ट्रूबल,
कोपिंग विद डेली लाइफ, मतलब अपने आप को मारना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, सुसाइड की टॉट आना, ये सारे ये जो साइन ऑफ साइकोपैथोलॉजी में आते हैं। इसके अलावा अपनी जो माशरे के लोग हैं उनके साथ जो ना ताल्लुक मुकम्मल ख़त्म करना, सोशल ना रहना और सिर्फ घर में बैठना, सारे के सारे जो इधर लेके हैं ये साइकोपैथोलॉजी के साइन में आते हैं, निशानी में आते हैं। तो इन्हीं साइन के थ्रू हम पॉइंट करते हैं कि इसमें डिसऑर्डर पाए जाते हैं और ये इसके साथ लिंक करता है वगैरह। तो वीवर, इसके बाद हम चलते हैं कॉजेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी, कि साइकोपैथोलॉजी की जो कॉजेज है, मेन कॉजेज है, वो कौन कौन से हैं। साइकोपैथोलॉजी सिर्फ एक जो कॉजेज है वो इसकी नहीं होती, मतलब वो सिंगल कॉजेज पे नहीं होता, उसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज हो सकती है। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड होता है, जीन्स वगैरह में, हेरिडिटी और में, इसके अलावा जो ब्रेन में जो केमिस्ट्री है, केमिकल है, उसमें चेंजेस आ सकती है। इसके अलावा क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, फैमिली मेंबर विद मेंटल इलनेस, अगर किसी फैमिली के एक भी मेंबर में कोई डिसऑर्डर है तो इसके बाद इसके बच्चे में भी डिसऑर्डर आ सकते हैं, मतलब पहले भी मैंने बताया कि हेरिडिटी सिस्टम से भी ये आ सकते हैं। इसके अलावा फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, सबस्टॉन और अल्कोहल यूज़ की वजह से भी ये जो साइकोपैथोलॉजी डिसऑर्डर है वो ये आ सकते हैं। और इसके अलावा सबस्टॉन वगैरह यूज़ करके इसके जो मतलब चर्स वगैरह है, कोई और नशा वगैरह है या मेडिसन है जो इंसान के ब्रेन को मुतासर करता है। इसके अलावा कोई ट्रामेटिक और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है वो भी साइकोपैथोलॉजी के कॉज बन सकती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए जिसमें ब्रेन वगैरह की जो पार्ट वगैरह वो लॉस हो जाए, और किसी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस से आप गुजर जाए, इसके बाद भी ये जो साइकोपैथोलॉजी के जो डिसऑर्डर है ये अटैक कर सकता है किसी भी इंसान पे। तो इसी वजह से शुरू में मैंने ये कहा कि साइकोपैथोलॉजी के एक कॉज के बिना पे हम ये डिसऑर्डर कंसिडर नहीं कर सकते कि ये जो डिसऑर्डर है ये बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आया है। इसको हम डेप्थ स्टडी करके, इसके सिम्टम दे के, इसके कॉज दे के और इसके जो कंडीशन है, नेचर है डिसऑर्डर के, सब कुछ दे के फिर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये इस डिसऑर्डर का जो इफेक्ट है इस बंदे पे है और पला कॉजेस की वजह से ये डिसऑर्डर आई है। और इसके बाद हम चलते हैं कि साइकोपैथोलॉजी के जो प्रोफेशनल है, वर्कर है, कौन होते हैं, कौन लोग है जो साइकोपैथोलॉजी के अंडर काम करते हैं और जो डिसऑर्डर से मुतासर लोग हैं इनके ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि इसका क्या काम होता है और ये कहाँ पे काम करता है। इसके अलावा काउंसलर होते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी ये पैथोलॉजी के, साइकोपैथोलॉजी के अंडर काम, मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट होते हैं, वो भी इसके अंडर काम करते हैं। इसके अलावा जो नर्स है, प्रैक्टिशनर है, जो साइकोलॉजी को पढ़ के और इसकी जो जो मेन मेन थेरेपी है वो उसको पढ़ के वो भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक्स नर्स होते हैं, वो भी इसका प्रोफेशनल होता है, साइकोपैथोलॉजी के अंडर वो काम करते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक्स डॉक्टर होता है, जो मेडिकल डॉक्टर होता है, इस पे भी मैंने अपना वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट का क्या काम होता है और वो किस तरह जो साइकोपैथोलॉजी के लोग हैं उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके अलावा जो है सोशल वर्कर, जो हस्पतालों में और प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं, जो साइकोपैथोलॉजी के लोग जो डिसऑर्डर में मुबतला है इनके ट्रीटमेंट करते हैं और इसके जो डिसऑर्डर है उसको डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा जो है और सोशियोलॉजिस्ट वो भी काम करते हैं। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।